सरकार उठिए सरकार, सुबह हो गई, चाय पी लीजिए। उठिए ना सरकार, दिन निकल आया, चाय पी लीजिए ना सरकार। जमुना हमें छोड़ के मत जाओ तुम। सरकार चाय पी लीजिए। सरकार सरकार क्या करते हो, हम थोड़ी सरकार हैं, हम तो मुन्ना बाबू हैं। सरकार तो पिताजी थे, स्वर्गवास हो गए बेचारे, भूल गए तुम? नहीं नहीं सरकार, मालिक को कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन सरकार, जब एक राजा जाता है तो दूसरा राजा सिंहासन पर विराजमान होता है। बड़े सरकार तो चले गए, अब आप ही तो हमारे सरकार हैं। बात कुछ कुछ हमारी समझ में आ रही है जटा शंकर, फिर से कहो सरकार। सरकार सरकार चाय पी लीजिए ना, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमको सब सरकार बुलाएंगे। हाँ सरकार। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरकार? ये भेड़िया भी सरकार बोलता है, अब सब बोलेंगे। आ सरकार। कैसी तबीयत है सरकार की? जो हमारी तबीयत को क्या हुआ है, तबीयत तो पिताजी की खराब रहती थी, हमें तो थोड़ा सा जुकाम रहता है, क्यों जटाशंकर? हाँ सरकार, थोड़ा थोड़ा रहता है। आज 29 तारीख है सरकार, तो कल 30 होगी। हाँ सरकार। और परसों पहली, तो हम क्या करें सरकार? मिल, फैक्ट्री, चाय के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह देनी है, इसलिए इस चेक पर साइन कर दीजिए। इसके बारे में हमें पिताजी ने कभी कुछ नहीं बताया, हम नहीं करेंगे, ले जा वापस। सरकार, अगर आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो मजदूरों की पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम कहते हो तो हम हस्ताक्षर कर देते हैं जटाशंकर, लेकिन एक शर्त पर। क्या सरकार? तुम हमको 100 रुपया दोगे? दूंगा सरकार। और 10 रुपए राजू के लिए भी? वो भी दूंगा सरकार। दूंगा सरकार, दूंगा सरकार, क्या दो पहले। हाँ, लीजिए ये 10 रुपए राजू के लिए और ये 100 रुपए आपके लिए है। लीजिए अब इस चेक पर साइन कर। पहले मैं अपने पैसे तो रख लूं। हाँ कर दीजिए। 1, 2, 3, 4 कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। इक्के के साथ बिंदियां बिंदियां लगा के लाया ये। सरकार, बड़े सरकार के वक्त भी इतनी ही बिंदियां होती थी। जी हाँ छोटे सरकार। थैंक यू सरकार। सरकार आप मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूं। इक्के के साथ इतनी बिंदियां, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसके बाद अपने मुझे तो आता नहीं, फिर क्या करूं? शहर जाकर भैया और माँ को लाना ही पड़ेगा, वही इनका हिसाब किताब करेंगे। देखिए मुन्ना बाबू, आप उदास मत होइए, इस दुनिया की रीति यही है, जो यहाँ आता है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। और जो यहाँ आता है उसको शादी भी करनी पड़ती है। हमारे पिताजी तुम्हारे से शादी के लिए तैयार नहीं थे, अब तो वो मर गए, अब तो शादी कर लो। ओफो, शादी शादी शादी, आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ अभी 10 दिन में नहीं हुए और आपको शादी की पड़ी है? लोग सुनेंगे तो थू थू करेंगे। अजीब बात है, कल पिताजी जिंदा थे तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता था, अब पिताजी मर गए तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता, कल तुम्हारा मामा मर जाएगा तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता, परसों अर्जुन सिंह मरेगा, फिर ये मरेगा, फिर वो मरेगा, और एक दिन हम मर जाएंगे, बस किस्सा खत्म। कैसी उल्टी सीधी बातें करें मुन्ना बाबू, आप इस एस्टेट के मालिक हो, आपको समझदार बनकर रोबदार से रहना चाहिए, जैसे आपके पिताजी थे ना, उन्हीं की तरह आपको सब पर हुकूमत चलानी चाहिए। अरे जमुना, अब हमको सब सरकार सरकार कहकर बुलाते हैं। हाँ, अब सब पे हमारा रोबदार हो गया है। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। आधे घंटे से यहीं खड़ा हूं सरकार। ठीक है ठीक है, हमको फौरन बंबई जाना है। लेकिन बंबई क्यों सरकार? तुमसे मतलब, हमारी टिकट का इंतजाम कराओ। कौन सी फ्लाइट से जाएंगे सरकार? फ्लाइट? वो क्या होती है? हवाई जहाज सरकार, एक सुबह जाता है और एक शाम को। आप किससे जाएंगे? हवाई जहाज? हवाई जहाज से हम नहीं जाएंगे, हवाई जहाज से हमको डर लगता है। लेकिन सरकार, रेलगाड़ी में तो 4 दिन लग जाएंगे। 4 लगे या 14, हम जाएंगे रेलगाड़ी से।
जैसी सरकार की मर्जी। किस दिन का टिकट बुक करवाऊं? डैम फूल, हमने काम फॉरेन जाएंगे, कुछ अपना दिमाग भी लड़ाया करो। जी सरकार। कैसे चलता है बगला भगत। आखिर आप इस बात से परेशान क्यों हैं? वो बंबई जाए या जहन्नुम में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता, अगर वो उल्लू का पट्टा किसी सगे संबंधी को लेकर आ गया तो फिर क्या होगा? तुम ठीक कह रहे हो जड़ा शंकर, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो बंबई क्यों जा रहा है। तुम्हें कैसे पता चला हम बंबई जा रहे हैं? हमको तो बहुत पहले ही पता था, बंबई की बजाय मेरठ, लखनऊ, कानपुर, हम कुछ भी बता देते। बड़े सरकार ने हमसे कभी कुछ छुपाया था? नहीं। बड़ा भरोसा था उनको हम पर, एक ही तो उनका नमक हलाल नौकर था। जटाशंकर, हम अरे मैनेजर जितना सीधा दिखता है ना उतना ही साला टेढ़ा है। हाँ पिताजी भी यही कहते थे, ये सब भेड़िए हैं भेड़िए। फिर भी तुमने उसे बता दिया कि तुम मुंबई जा रहे हो? गड़बड़ हो गई जटाशंकर, हमें तुम जैसे विद्वान आदमी से पूछे बगैर नहीं बताना चाहिए था, पर हमने ये नहीं बताया कि हम बंबई क्यों जा रहे हैं। अरे अरे बताना भी मत, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तुमको मालूम है? हाँ मुझको सब मालूम है। शंकर, हाँ? अब आवाज बाहर तो नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। सुनो, हाँ? ये भेद खुलना नहीं चाहिए जब तक माँ और भैया आ नहीं जाते। माँ और भाई? क्यों? तुम माँ और भाई के बारे में नहीं जानते? क्यों क्यों नहीं जानते? लेकिन बड़े सरकार ने बताने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हम चौंक गए ताकि कोई दूसरा सुन ना ले। तुम्हें माँ और भाई का पता मालूम है? मालिक ने हमको तो बताया नहीं, लेकिन आपको तो खबर होगी। नहीं मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन हम मार भाई का पता जरूर लगाएंगे, मुंबई जाएंगे हम। नहीं नहीं ऐसा गजब ना कर बैठना, जब तक तुम उन्हें ढूंढ कर लाओगे मैनेजर तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर जाएगा। वो नाम का अर्जुन है लेकिन कर्म उसके सारे दुर्योधन की है। तो फिर हम क्या करें जटाशंकर, हमारी समझ में कुछ तुम नहीं आ रहा। तुम यहीं उनके सीने पर सवार जमे रहो, मैं जाता हूँ और उन्हें ढूंढकर लाता हूँ। तुम जाओगे जटाशंकर? हाँ। जटाशंकर तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, मेरे भाई और माँ को जरूर लेके आना, नहीं तो ये भेड़िए सचमुच मुझे खा जाएंगे। शाबाश जटाशंकर शाबाश, तुमने भी क्या खूब पता लगाया। पर जटाशंकर अब उस साले पागल के लिए एक माँ और एक भाई का बंदोबस्त करो। अरे ऐसा माँ और भाई ढूंढ के लाऊंगा जो एकदम फिट हो जा। जटाशंकर, हाँ माँ और भैया को यहाँ की बातें तुम मत बताना। नहीं कहेंगे, वो जब यहाँ आ जाएंगे ना तो हम खुद उनको सब बातें बताएंगे। ठीक है। और सुनो, जब माँ से मिलो ना तो उनके पैर छूकर मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हाँ कह देंगे कह देंगे। तुम चले जाओगे जटाशंकर तो हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। चलो, जमुना कहीं चली गई है क्या? जमुना तो यही है लेकिन। अरे तो फिर क्या हुआ, लपक कर उसका पल्लू पकड़ लेना। और जैसे सिनेमा में हीरो हीरोइन के लिए गाना गाता है ना, तुम भी शुरू हो जाना। लेकिन हमको फिल्म का तो कोई गाना आता भी नहीं। सरकार हमें एक से एक प्रेम की कविता जवानी याद है, तो सुनाए सुना। लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना जटाशंकर, अगर हम वहाँ जमुना के सामने भूल गए तो? उसका इंतजाम भी हमारे पास है,
हम बड़े बड़े अक्षर में गाना लिख देते हैं, जैसे ही भूलने लगो ना फौरन यूं करके झांक लेना और शुरू करना।